वेलकम टू करण शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग मैदान सीरीज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। बिग बैंग थ्योरी जो है जॉर्ज लेमेतियर के द्वारा दी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया हुआ था। भारत के पहले वायसराय कैनिंग हैं। भारत के पहले गवर्नर क्लाइव हैं। यहाँ पर बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हैं। और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हैं। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राज गोपालाचारी हैं। ये चारों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जादू टोना और अंधविश्वास जो है अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिलाकर इनको जो है वेद त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 में भारत आया हुआ था। इसमें तीन सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेनफोर्ड क्रिप्स। यहाँ पर जो है 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया था और टोटल 389 सीट जो है वो तय की गई थी। इनमें भी जो है 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ था और 93 सीटें जो हैं मनोनीत हुई थी। राजाएं जो रियासतें थीं, जो राजा थे उनके पास से 93 सीटें मनोनीत की गई थी। और यहाँ पर 389 जो सीट हैं इसमें 200, यहाँ पर 96 जो सीटें जिन पर इलेक्शन होना था उसमें से 4 यूटी था। तो यूटी कौन कौन सा है? दिल्ली है, कुर्ग है, बलूचिस्तान है और मारवाड़। जो है यहाँ पर 4 यूटी थी और 292 सीटें नॉर्मल सीटें थी। ध्यान रखिए ये सब चीज़ें। कैबिनेट मिशन जो है यहाँ पर चुनाव के लिए जितनी भी सीटें तय होनी थी उसके लिए आया हुआ था। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी है और यह ग्रंथ जो है पाणिनि का है। ध्यान रखिए सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम यहाँ पर ग्रह जो है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब यहाँ पर अनुसूचियाँ दी गई हैं, हम लोग इसको शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। अनुसूची एक जो है राज्य और यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। अनुसूची दो वेतन और भत्ते से संबंधित है। अनुसूची तीन यहाँ पर शपथ से संबंधित है और इसमें जो है प्रेसिडेंट, गवर्नर और जो है वाइस प्रेसिडेंट की शपथ नहीं दी गई। इसके अलावा सभी लोगों की शपथ अनुसूची तीन में है। अनुसूची चार राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। अनुसूची पाँच SC ST क्षेत्र के यहाँ पर से एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। अनुसूची छः में 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय। ध्यान रखिएगा अनुसूची सात जो है सूचियों से संबंधित है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची से। अनुसूची आठ जो है भाषा से संबंधित है और यहाँ पर 22 भाषाएं दी गई हैं। अनुसूची नौ भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 10 दल बदल कानून से संबंधित है और अनुसूची 11 पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची 12 नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर की होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर दिन बड़ा होगा तो यहाँ पर उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में अगर दिन बड़ा हो रहा है 22 दिसंबर को तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को होने वाली है। दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो ये दो डेट पर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को योगा दिवस भी मनाया जाता है। ऋग्वेद में जो है गाय को अघन्या कहते थे। ध्यान रखिएगा बजट प्रणाली जो है इसके संस्थापक जेम्स विल्सन हैं। 1860 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इंडिपेंडेंट भारत में जो है बजट पेश करने वाले पहले व्यक्ति के शनमुखम शेट्टी हैं और रिपब्लिक भारत में जो है पहला बजट पेश किया था जॉन मेथाई ने। ध्यान रखिएगा और सर्वाधिक बार बजट जो है पेश करने का रिकॉर्ड मुरारजी देसाई के पास है। नेक्स्ट है संविधान सभा में टोटल महिलाओं की संख्या 15 थी और भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू हैं। ध्यान रखिए भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी हैं और यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री और पूरे भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। पहली महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर हैं। ध्यान रखिए इनको हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी। एक
जो मुस्लिम है यहाँ पर 15ों में से संविधान सभा में, उनका नाम है बेगम एजाज रसूल। ध्यान रखिएगा, एस बालचंद्रन जो हैं एक वीणा वादक हैं, थांगटा पुंगचोलम नट संकीर्तन डांस मणिपुर के हैं। नेक्स्ट है कंकरिया झील के किनारे, कंकरिया झील जो है इसके किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है, और अहमदाबाद शहर जो है यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में भारत के दो शहर हैं, अहमदाबाद और जयपुर। ध्यान रखिए लोनार झील महाराष्ट्र में है, और ये या एक जो है क्रेटर झील है। अब प्रेसिडेंट से कुछ संबंधित यहाँ पर पॉइंट हैं। आर्टिकल 52 जो है यहाँ पर बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 जो है प्रेसिडेंट के कार्यपालिका ये जो शक्तियाँ होती हैं वो दी गई हैं। आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन भाग लेगा वो बताया गया है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्ट लेते हैं, और विधानसभाओं के भी इलेक्टेड मेंबर इसमें भाग लेते हैं। ध्यान रखिए आर्टिकल 55 जो है इलेक्शन की विधि दी गई है, और यह होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। प्रेसिडेंट का कार्यकाल आर्टिकल 56 में दिया गया है, और जनरली जो है 5 साल का होता है। ध्यान रखिए, और ये पुनः भी री इलेक्ट हो सकते हैं। आर्टिकल 57 जो है री इलेक्शन से संबंधित है। आर्टिकल 58 प्रेसिडेंट की योग्यताएं दी गई हैं। आर्टिकल 59 शर्तें दी गई हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, और आर्टिकल 60 जो है शपथ दी गई है प्रेसिडेंट की, और आर्टिकल 61 जो है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। ध्यान रखिए कर सुधार समिति, तो यहाँ पर चलैया समिति जो है वो कर सुधार समिति है। ध्यान रखिए नेक्स्ट है NaOH, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और ये कास्टिक सोडा होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, तो ये 2F के बराबर होती है, यानी कि डबल होती है। HIV ह्यूमन एमिनो डिफिशेंसी वायरस के कारण जो है एड्स होता है, एड्स जो है रेट्रोवायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है समान दर्पण की अणुओं के बीच आकर्षण बल को कहते हैं, तो इसको कहते हैं कोहसीफोर, यानी कि ससंजन बल जो है इसको कहा जाता है। समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को यहाँ पर कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और असमान के बीच जो यहाँ पर आकर्षण बल होता है उसको कहते हैं एडहेसिव फोर्स, यानी कि असंजक बल। और आर्टिकल जो है 43B जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। इसमें जो है DPSP में संशोधन करके जो है सहकारी समिति को जोड़ा गया है, और यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार में भी इसको जोड़ा गया था। 19(1)C यहाँ पर जोड़ा गया है, और भाग 9B भी यहाँ पर सहकारी जो यहाँ पर समिति है इससे संबंधित है। ध्यान रखिए नेक्स्ट है बाबर के प्रसिद्ध यहाँ पर तुलुगमा नीति जो है का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में इसने किया था। तुलुगमा नीति का प्रथम बार प्रयोग बाबर ने पानीपत के युद्ध में किया था, और पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। चेचक यानी कि स्मॉल पाक्स वेरिसोला वायरस के कारण होता है, और इसका टीका जो है एडवर्ड जेनर ने खोजा था, और ये विश्व में पहला टीका था जो कि खोजा गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा, स्मॉल पॉक्स का था। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन को कहा जाता है। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।